हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। तो आज हम आपको फंक्शन का क्वेश्चन सिखाएंगे, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2.2। तो केसी सिन्हा का आप क्वेश्चन चलिए देखा जाए, सीखेंगे आज। फंक्शन हमारा लेसन है, हमारा चैप्टर है फंक्शन, केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 2.2। आज है 5 जुलाई 2020। तो यहाँ से देखिए, एक फंक्शन है जो 1 के रिलेशन 2 से 3 के रिलेशन 5 से है और 4 के रिलेशन 1 से है, और यहाँ से एफ ऑफ जी यानी कि शॉर्ट में फॉग बोलते हैं, और इसे हम लोग सही रूप से पढ़ते हैं एफ ऑफ जी फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ से क्या है, 2 के रिलेशन 3 से, 5 के रिलेशन 1 से और 1 के रिलेशन 3 से है। ये मेरा फंक्शन एफ है, ये मेरा फंक्शन जी है। अब करना क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि दो तरह का फंक्शन बना लेते हैं। जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, इसी के जैसा हम एक फंक्शन तैयार कर लेते हैं। चलिए यहां से देखिएगा, एक फंक्शन तैयार कर लेते हैं कि फंक्शन फ्रॉम, यहाँ ए की वैल्यू देखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू किस टाइप की होने वाली है, ए की वैल्यू 1, 3, 4 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम 1, 3 और 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से b की वैल्यू यहाँ पर किस टाइप की होगी, 2, 5, 1। तो 2, 5, 1 को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, 2, 5, 1 को हम लोग लिख देंगे 1, 2 और 5 लिख देंगे। फिर उसी तरह से फंक्शन g की स्टैंडर्ड तैयार करेंगे। फंक्शन g क्या है जरा देख लीजिए, इससे भी हम क्या करेंगे, जैसे ए बी है तो अब तैयार करेंगे बी सी। देखिएगा इसको इस टाइप से तैयार कर लेते हैं बी सी। यहां से आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू किस टाइप की होने वाली है, तो b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, इसका सब फर्स्ट हम b ले लेते हैं, इसका जो भी फर्स्ट आएगा जैसे 2, 5 और क्या 1, यानी कि b की वैल्यू तो यहाँ है, पहले से b की वैल्यू ज्ञात है, यहां लिखेंगे अच्छा से लिख देते हैं, चलेगा 1, 2, 5। हालांकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 2, 5, 1 हो रहा है, लेकिन इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1, 2, 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें c की वैल्यू देखनी है, तो c की वैल्यू होगी वो 3, 1, 3। यहाँ लिखेंगे 3, 1, 3, तो सेट में डबल एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है। सेट का ये रूल है कि लिमिट जो है वो रिपीट नहीं करनी चाहिए, लिमिट रिपीटेशन नहीं होती है सेट में। यहाँ लिखेंगे 3, 1, 3, तो लिखेंगे 1, 3, बस हो गया। अब कुछ नहीं है, बस यहां से अब हम डायग्राम द्वारा बना लेंगे। ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया, ये मेरा सेट सी हो गया। अब हम डायग्राम के द्वारा क्या करेंगे, फॉग एफ ऑफ जी निकालेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे, और डायग्राम के द्वारा जी ऑफ एफ निकालेंगे, जो शॉर्ट में हम लोग फॉग बोलते हैं और गफ बोलते हैं। तो चलो भाई कैसे निकालेंगे, तो आइए डायग्राम खींच के आपको दिखाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि ए की वैल्यू 1, 3, 4 था, और बी की वैल्यू था 1, 2, 5 था। बी की वैल्यू क्या था, 1, 2, 1, 2, 5 था, और यहाँ सी की वैल्यू क्या था, 1, 3। तो आपको याद भी हो गया होगा, तो इस तरह से हम लोग डायग्राम खींचेंगे ए बी सी में। चलो, तो हमने आपको थ्योरी दिया था उस दिन, लिखा था आपको गफ के बारे में, फॉग के बारे में, कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ एक्स की थ्योरी किस टाइप की होती है, तो उसी को बस यहाँ हम लोग राइट करेंगे। देखिएगा ये मेरा सेट ए हो गया, और ये मेरा सेट बी हो गया, और ये मेरा सेट सी हो गया। ए से सेट ए से सेट बी में जो फंक्शन है वो एफ है, और सेट बी से सेट सी में जो फंक्शन है वो क्या है, तो यहाँ से जी है। बस कुछ नहीं करना है, एफ ए वाले सेट क्या था, 1, 3, 4 था, दे देंगे 1, 3, 4। सेट बी का स्टैंडर्ड क्या था, 1, 2, 5, यानी कि 2, 5, 1, 2, 5। सेट बी का स्टैंडर्ड है 1, 2, 5, यानी लिखेंगे 1, 2, 5। सेट सी क्या है बेटा, 3, 1, 3, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3, 1, 3, 3, 1, 3। चले अब यहां से क्या है, किस टाइप के रिलेशन है उसको देखेंगे। एफ के अबाउट में, एफ के अबाउट में देख लीजिए, 1 के रिलेशन 2 से, तो 1 के रिलेशन 2 से, फिर 3 के रिलेशन 5 से, तो 3 के रिलेशन 5 से, और 4 के रिलेशन 1 से, तो 4 के रिलेशन 1 से। फिर उसी तरह देखिए जी के अबाउट में, 2 के रिलेशन 3 से, तो 2
टू के रिलेशन थ्री से, फिर उसी तरह से फाइव के रिलेशन वन से तो फाइव के रिलेशन वन से, फिर वन के रिलेशन थ्री से तो वन के रिलेशन थ्री, तो वन के रिलेशन यहाँ है थ्री से। चलो भाई अच्छा है कि वन के रिलेशन थ्री से हो गई, वन के रिलेशन थ्री से। तो आप क्या देखे हैं कि वन के रिलेशन थ्री से हो गई, फाइव के रिलेशन वन से हो गई, और टू के रिलेशन थ्री से, टू के रिलेशन थ्री से हो गई। अब यहाँ से हम जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा स्टूडेंट कि अगर आपको भाव निकालना है तो इससे हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं एक्स अपना मोन से यहाँ लेते हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं। तो याद रखो स्टूडेंट कि फॉग यानी कि इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी, शॉर्ट में भले ही फॉग बोलते हैं लेकिन एफ ऑफ जी है। जो यहाँ एक्स मैंने लिखा था तो एक्स के वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तब फॉग कभी भी यहाँ से फाइंड करते हैं, फॉग कभी भी यहाँ से फाइंड करते हैं। और यही जी ऑफ एफ यानी कि गॉफ निकालना होता तो सेट ए के एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉग निकालना है तो सेट बी के एलिमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलो बेटा देखो ध्यान से यहां से क्या होगी, तब पहले वन है तो वन दिखाई दिया, यानी कि हम इसको बोलेंगे शॉर्ट में फॉग वन, या बोलेंगे एफ ऑफ जी वन, एफ ऑफ जी वन। इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा एफ तो एफ ए रहेगा और ओ हट जाएगा, एक ब्रैकेट लगेगा और फिर क्या होगा जी वन होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एफ एफ ही रह जाएगा, हमें चाहिए जी वन। तो जी वन का मान कहाँ है, कैसे निकालते हैं, ये मेरा जी वन है तो जी वन का वैल्यू कितना है थ्री, तो थ्री रख देंगे। ठीक से समझना स्टूडेंट कि फॉग है, हमें फॉग निकालना है, फॉग का मतलब एफ ऑफ जी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं फॉग, स्टार्ट कहां से करते हैं, सेट ए से, सेट बी से, सेट सी से, नहीं सेट बी से फॉग निकालते हैं, एफ ऑफ जी हम सेट बी से निकालते हैं। ये मेरा सेट बी है जिसके एलिमेंट टू फाइव, वन टू फाइव है। तो पहले हम लिखेंगे फॉग वन, इसे कैसे तोड़ते हैं, एफ को बचाते हैं और ओ को हटाकर एक ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर जी वन को डालते हैं। अब देखिएगा जी वन की वैल्यू को पुटिंग करते हैं, ये मेरा जी वन की वैल्यू है थ्री, ऐसे लेते हैं। ध्यान दीजिएगा जी वन क्या है थ्री, तो थ्री यहाँ दे देते हैं। जी वन क्या है, देखिए जी वन क्या है थ्री, तो थ्री दे देंगे, यानी कि जी वन के जगह पर जी वन की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट जरा बता दीजिए, जीवन के वैल्यू क्या हो गई, तो थ्री हो गई, जीवन की वैल्यू थ्री हो गई। अब यहाँ कह रहा है कि एफ थ्री, तो एफ थ्री कहाँ, यहाँ देखो एफ थ्री, एफ थ्री का वैल्यू क्या है फाइव, तो फाइव दे दीजिए। इस तरह से हम लोग निकालते हैं फॉग। अब देखिए फॉग में और चीज है, देखिए अब हम करेंगे वन हो गया, अब फॉग टू करेंगे, इसे भी उसी तरह से तोड़ते चलेंगे। चलिए तोड़ा दिया जा, कैसे तोड़ते हैं स्टूडेंट, एफ को लिख लेते हैं और ओ को हटाकर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और उसके अंदर अंदर जी टू को डाल देते हैं जी टू। फिर देखो स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा फिर क्या करते हैं कि ये एफ तो रहेगा, हमें चाहिए जी टू की वैल्यू। तो जी टू की वैल्यू यहां से देख लीजिएगा, जी टू की वैल्यू है थ्री, तो थ्री रख देंगे। और फिर हमें चाहिए क्या, एफ थ्री, एफ थ्री की वैल्यू फिर फाइव है, तो फिर फाइव रख देंगे। चलो बेटा समझ में शायद आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। अब हमें काम करना है फॉग क्या है फाइव, तो फॉग फाइव पर काम करेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसे, एफ एफ ही रह जाएगा, ओ के बदले क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, अब क्या करेंगे तो जी फाइव लिखेंगे। अब जरा देखो बेटा जी फाइव कहाँ है, जी फाइव हमें चाहिए जी फाइव, तो जी फाइव कितना है वन है, तो लिखेंगे यहाँ पर वन लिखेंगे। अब हमें चाहिए एफ वन, तो देखिए एफ वन इसे बोलते हैं, एफ वन इसे बोलते हैं, क्या है वैल्यू इसकी दो है, यहाँ दो रख देंगे। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अब फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे कि लिखेंगे फॉग इज इक्वल टू, लिखेंगे देयरफॉर फॉग इज इक्वल टू, यहां से देख लीजिएगा जगह नहीं था तो यहाँ पर उसके आंसर को दिया जा रहा है, लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे क्या क्या आया है, वन वन जो है फाइव से कनेक्टेड है तो लिखेंगे वन कामा फाइव, फिर क्या है टू किससे है तो फाइव से है तो लिखेंगे टू कामा फाइव, फिर क्या है फाइव किससे है टू से तो लिखेंगे फाइव कामा टू, ऐसे ये मेरा आंसर हो गया। तो क्या आपने देखा है कि फॉग निकालना अब सीख गए हैं, अब इसी से हम लोग गॉफ निकालना सीखेंगे, जी ऑफ एफ निकालना सीखेंगे, जी ऑफ एफ निकालना सीखेंगे। अब अभी आपने क्या सीखा है, एफ ऑफ जी शॉर्ट में गॉफ बोलते हैं इसे। अब आइए हम आपको फॉग निकालना सिखाते हैं, सॉरी गॉफ निकालना सिखाते हैं, फॉग तो सीख लिए हैं, अब हम गॉफ निकालना सिखाएंगे आपको
कैसे निकालते हैं कफ जरा देखिएगा। खूब अच्छा से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि हर चीज समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि कभी भी फॉग निकालना हो बेटा तो सेट बी के एलिमेंट का इस्तेमाल करना, लेकिन गफ निकालना होगा तो सेट ए के एलिमेंट का इस्तेमाल करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां से आइए आइए दिखाते हैं आपको। तो चलो बेटा आओ, हम करेंगे गफ। तो गफ तो लिखते हैं, ठीक है, आगे चल के क्या करते हैं, करते हैं गफ एक्स। अब करते क्या है कि एक्स की वैल्यू हम क्या रखते चलते हैं, वन। तो पहले वन रखेंगे, अब इसे तोड़ेंगे। मैंने कहा था ना कि गफ सेट ए के एलिमेंट से निकालते हैं और फॉग हम सेट बी के एलिमेंट से निकालते हैं, बस इतनी बात याद रखिएगा। चलो बेटा क्या करते हैं, जी को बचाते हैं और ओ को हटाकर एक ब्रैकेट डालते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, एफ वन लिखते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, जी जी रह जाता है और एफ वन की वैल्यू क्या है, टू, तो टू लिख देते हैं। अब हमें क्या करनी है, ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जी टू की वैल्यू चाहिए, जी टू कितनी है, तो देखना है कि जी टू टू किससे रिलेटेड है, थ्री से, तो हाँ हो गई हमारी थ्री। बस यही तो है, बहुत आसान है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर क्या लिखते हैं, गफ थ्री, यानी कि हम जो है गफ कहाँ से निकालते हैं, सेट ए के एलिमेंट के हेल्प से निकालते हैं, सेट ए के एलिमेंट से निकालते हैं। तो बेटा ये हो गया मेरा क्या गफ थ्री, ये टूटेगा तो क्या होगा, जी है तो जी रहेगा, ओ को हटाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे अंदर में एफ थ्री डालेंगे। चलो बेटा जी है तो जी रहेगा, एफ थ्री के वैल्यू बता दो कहाँ है, एफ थ्री कितना है, फाइव है, यहाँ लिखेंगे फाइव। अब हमें क्या चाहिए, जी फाइव, ये देखो जी यहाँ है, फाइव यहाँ है, कितना है वन, तो वन लिखेंगे। फिर उसी तरह से क्या है, चलो भाई अब क्या है गफ देखे, अब क्या है फोर है, तो फोर लिखेंगे। चलो अब कैसे तोड़ते हैं ये सीखो, जी है तो जी रहेगा, क्लियर है, ओ के बदले ब्रैकेट देते हैं और उसके अंदर डालेंगे एफ ऑफ फोर, एफ फोर डालेंगे, एफ फोर। अब हमें क्या चाहिए जरा बता दीजिए, एफ फोर की वैल्यू क्या है, एफ फोर की वैल्यू क्या है, वन, तो वन डालेंगे। अब हमें चाहिए जी वन की वैल्यू, जी वन की वैल्यू क्या है, थ्री, तो थ्री डालेंगे, बस हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, चलेंगे ऊपर, इसके बाद का स्टेप ऊपर देख लीजिएगा, तो क्या होगा यहाँ से गफ का आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा गफ का, तो फिर आपने क्या डाला, वन डाला तो क्या आया थ्री, तो वन कनेक्टेड है थ्री से, फिर थ्री कनेक्टेड है वन से, तो थ्री कामा वन हो गया, फिर फोर कनेक्टेड है थ्री से, ये हो गया फोर कामा थ्री हो गया, फोर कामा थ्री। ये आपकी गफ निकालना आपने सीख लिया, फॉग निकालना आपने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज एफ ऑफ जी निकालना सीख गए और एफ ऑफ जी निकालना सीख गए और जी ऑफ एफ निकालना सीख गए, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं फॉग निकालना सीख गए और गफ निकालना सीख गए। और हमको उम्मीद है कि ये इस वीडियो को अगर खूब ढंग से देखें तो आगे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन के सी सिन्हा का हो, एन सी आर टी का हो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, दुनिया के किसी भी राइटर की किताब के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के फंक्शन के क्वेश्चन को। तो आप कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए और इससे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।